नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और अभी देखो शाम का वक्त होने आया है, तो हम लोग का सरसों पूरा जो है वो कट गया है। और अभी हम लोग थोड़ा साफ़ सफाई कर रहे हैं जहाँ पे मतलब सरसों काटेंगे उसके लिए, क्योंकि देखो सारे सरसों आधे आधे पर से काट दिए हैं, पूरा जड़ से उसको नहीं काटे हैं। ऐसा करने से क्या होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता थ्रेसरिंग करने में, जल्दी से हो जाता है। और इसमें अभी इसके बाद उर्दी बोया जाएगा, तो वो जैसे ही इसको पानी देंगे खेत में वैसे ही ये सब जो है वो सड़ गल के ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए सरसों को आधे आधे पर से काटे हैं। तो अभी देखो शाम का वक्त हो आया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एकदम शाम हो गई है और सूर्य भगवान ढल चुके हैं। तो सूर्य भगवान ढलने के बाद भी थोड़ा बहुत उजाला है। और देखो यहाँ पे हम लोग का सरसों खड़ा होगा, यहाँ पे थ्रेसरिंग होगी। तो ये सब जो बोझ अभी काट काट के रखा गया है, जो आप देख रहे हैं बोझ, इन सबको बांध के पूरा यहाँ पे खड़ा किया जाएगा, उसके बाद कल थ्रेसरिंग। हरे कृष्णा दोस्तों, तो आज दूसरी सुबह हो गई है हम लोग की, और आज हम लोग को सरसों जो है उसको बांधना है और बांध के खड़े करना है। तो आप पीछे देखो पिताजी काम कर रहे हैं और मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ, और नीत भी अभी आ रहा है, वो थोड़ा लेट। और उन्नति भी देखो रोज़ हम लोग के साथ आ जाती है खेत में घूमने टहलने के लिए। उन्नति तो कुछ काम वाम करती है नहीं, बस आ जाती है घूमने यहीं ना। उन्नति कुछ काम नहीं करती हो, गड़ गया ना। चलो अभी नीत आ गया है और अब जल्दी जल्दी सब अपना काम फटाफट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे धूप बहुत अच्छा है, तो अभी मेरा मन हो गया कि इसको मेरे गाय के लिए, मेरे घर पे एक गाय है और एक उसकी बछिया है, तो मेरा मन हो गया इसको पूरा सब फटाफट छोड़ लूँ, जिससे खेत भी साफ़ हो जाए और मेरे गाय के लिए चारा भी थोड़ा हरियर हो जाएगा। देखो धूप है, ये देखो इसको खाने से गाय वगैरह बहुत हेल्थी रहती हैं, बहुत अच्छा रहता है ये। वृक्षों की देखिए क्या अहमियत होती है, ये जब किसान को सिर्फ पता होता है, जब किसान खेत में काम करते करते थक जाते हैं, धूप से एकदम परेशान हो जाते हैं, तब जो वृक्ष के नीचे बैठ के जो आनंद होता है, जो अनुभव मिलता है वृक्ष का, वो दूसरा शायद कोई और नहीं बता सकता, उसको सिर्फ किसान ही बता सकते हैं। अभी जैसे देखिए मैं काम करते करते एकदम थक गया, बदरी मौसम में वो बदरी हुआ है, लेकिन फिर भी धूप बहुत तेज़ लग रही है, क्योंकि बदरिया धूप बहुत तेज़ लागत हो, तो अभी बहुत थकान भी हो गया। अभी आधा घंटा कम से कम यहाँ सुस्ताव, फिर उसके बाद और सारे सब काम करेंगे। तो मुझे जो अभी इस छाया में बैठने का अनुभव हो रहा है, तो मैं वृक्ष को किस तरीके से धन्यवाद दूँ, तो इसका अनुभव सिर्फ हम ही लोग बता सकते हैं। इसीलिए तो किसान को कहते हैं कि मतलब जो वृक्ष होता है वो किसान का बेटा होता है, और इसीलिए तो कहा जाता है कि जैसे अगर आप एक पेड़ लगाते हैं तो समझो आपके मतलब समझ लो आपने बेटा तैयार कर दिया है। देखिए अभी सरसों का पूरा कटाई हो गया है और अब ट्रैक्टर आ गया है। देखो धूप भी बहुत तेज़ है, तो अभी आज थ्रेसरिंग होकर ही रहेगा क्योंकि मौसम सही नहीं है। तो हम लोग भी एकदम नहा वहा के सब रेडी हैं और आ गए हैं अभी थ्रेसरिंग करवाने के लिए। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ और बाकी सब। तो देखिए धूप भी बहुत तेज़ लग रही है,
इसलिए सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी हो जाएगा तो ठीक रहेगा। देखो बहुत तेज़ धूप लग रही थी इसलिए मैं चले आया हूँ छाँव में। अभी मैं थोड़ा यहाँ आराम करता हूँ, तब से अभी कटने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी बहुत तेज़ धूप लग रही है इसलिए मैं वापस चले आया हूँ, और मेरे घर पे भी थोड़ा सा सरसों है तो उसको भी काटना है, तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पे थोड़ा साफ़ वाफ कर दूँ, जिससे अभी ये ट्रैक्टर यहाँ पे साफ़ हो जाए तो वहाँ पे जाएंगे घर पे काटने के लिए। तो धूप बहुत तेज़ लग रही है इसलिए मैं चले आया यहाँ, थोड़ा 10 मिनट रुकूँगा फिर उसके बाद चलूँगा।
यहाँ देखो हवा बहुत अच्छा चल रहा है।